हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी करियर कोचिंग शुड। इन्फिनिटी के दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हो, पिछली वीडियो हमने ग्राफ के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किया था, मॉडुलस फंक्शन के डिस्कस किया था, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ देखे थे और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। इस वीडियो में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या है, तो हर टॉपिक को बहुत बेहतरीन टेक्निक से अगर आप लोगों ने मॉडुलस फंक्शन या पॉलीनोमियल फंक्शन के ग्राफ नहीं सीखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को चेक कर सकते हो और वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GIF से लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन शॉर्ट फॉर्म इसका नाम है GIF। जनरली मैं GIF लिखता हूं, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। क्या बोलता है ये, जो डिनोट करते हैं सिंबल से, कोई भी इस फंक्शन को डिनोट करने के लिए मैं इस तरह का स्क्वायर ब्रैकेट यूज करता हूं। सिंबल है, सिंबल ऑफ GIF बोले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। अब कहता है कि इसके सिंबल में फंक्शन होता क्या, जैसे कि मान लो इसके सिंबल में मैंने लिख दिया, कोई नंबर लिख दिया 2.5। अब ये नंबर बाहर आके क्या बनेगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, सिंपली होता तो 2.5 नंबर होता, ठीक है, मॉडुलस होता तो पॉजिटिव मिलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डेफिनेशन बोलता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यूज होगी बाहर आके इंटीजर वैल्यू मिलेगी, जो भी वैल्यू होगी बाहर आके क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। लेकिन कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे, बोलता है लेस देन और इक्वल टू, हाँ ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो मान लेते हैं जो भी वैल्यूज लिख रखी है नंबर लाइन पे, इस वैल्यू को प्लॉट कर दो। मैंने पूछा ये वैल्यू किन दो इंटीजर के बीच में लाई करती है, तो आपने कहा कि ये वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करे, क्योंकि 2.5 है 2 और 3 के बीच में लाई करेगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट सेज दैट टेक लेसर नंबर, लेसर इंटीजर, ठीक है। कहने के बाद जहाँ पे वैल्यूज होगी जिस पॉइंट पे, उसमें दो इंटीजर के बीच में लाई करेगा, और दोनों इंटीजर में जब सबसे छोटा इंटीजर होगा, जो स्मॉलर इंटीजर होगा, ये उसकी वैल्यू होगी। तो स्मॉलर इंटीजर क्या अपना 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 को सॉल्व करके आपका आएगा फंक्शन 2। यहाँ तक समझ में आ गया। आप बोलोगे सर नेगेटिव में आ जाए, तो लो सर माइनस का 2.5 लेता हूँ। सेम डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन बोलता है, माइनस 2.5 लाइक नंबर लाइन में प्लॉट करो। आपने कहा सर -3 और -2 के बीच में होगा, इसमें ही होगा ना, -3 और -2 के बीच में कहीं नंबर लाइन तो ड्रॉ करने आती है, ऑब्वियस बात है 11th में आ गए, नंबर लाइन तो ड्रॉ करने आते होगे। मैंने कहा 2.5 यहाँ कहीं लाई करेगा, इन दोनों में छोटा इंटीजर कौन है। आप बोलोगे सर -3, लो सर इसका आंसर आ गया -3। तो डेफिनेशन ये बोलती है, हमने एग्जाम्पल से भी देखे, ठीक है, कि जो भी इसके अंदर कोई भी पॉइंट होगा, जो भी नंबर होगा, वो नंबर किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है उसको प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, और उनमें सबसे छोटा इंटीजर जो होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पर भी 2.5 नेगेटिव है, तो मैंने कहा -3 और -2 के बीच में लाई कर रहा है, तो आपने कहा -3 और -2 के बीच में लाई कर रहा है, इसमें छोटा इंटीजर कौन सा है, आप बोलोगे -3, क्योंकि हमें पता है जब भी नेगेटिव लग जाता है बड़ी रकम के आगे अगर नेगेटिव हो तो सबसे छोटी बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आ गई। अब इसका हम जनरल फॉर्म में डेफिनेशन लिख लेते हैं, आप लिख भी सकते हो, इंडिकेट्स दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू x। तो लिख लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंडिकेट्स दैट, ये भी लिख लो, ये जो है अपना ना उसको सिंबल उठाया था मैं, इंडिकेट्स इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, जैसे मान लो यहाँ पे x डाल दिया आपने, इंडिकेट्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, x का इंटीग्रल पार्ट है विच इज स्मॉलर देन द x, विच इज स्मॉलर देन द x। तो x के कंपैरिजन में अगर x अपना, जैसे मान लो अभी डेफिनेशन फुल करते हैं, आपने बोला 1.5 है, मैंने कहा कि इसका इंटीग्रल पार्ट लेना है,
किन किन के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट इससे छोटा होना चाहिए। आपने कहा कि सर 1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, 1 ही होता है ना, तो छोटा इंटीजर ये जिसका इंटीग्रल पार्ट x 1 आ गया। इट मीन्स आपने समझ गया जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा उसमें से छोटा इंटीजर ढूंढेंगे हम, ठीक है, वन जो नंबर लिखा होगा उससे छोटा इंटीजर ढूंढेंगे। बात समझ में आ गई, ये डेफिनेशन बोलता है। अब इस डेफिनेशन को हम अप्लाई करके ग्राफिकल सिचुएशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए शुरू से मैंने एक ही बात कहते आया हूँ, जब भी मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, मुझे पॉइंट्स चाहिए। मैं इसको एक बार रेज कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा डेफिनेशन, ताकि मुझे थोड़ी स्पेस मिल जाए करने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो मुझे पॉइंट्स चाहिए। सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, बहुत ध्यान से समझना इसको, क्या टफ है, नहीं टफ तो कुछ भी नहीं है, समझ में नहीं आएगा तो टफ लगेगा, समझ में आ जाएगा तो इजी है, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ओह सॉरी, ये अपना नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये अपना नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। ये अपना जीरो है, वन स्टेप, 1, 2, 3, 4, माइनस में -1, -2, and -3, -1, -2, -3, and -4, 1, 2, 3, and 4, ये हमने पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब मुझे देखना है, सपोज कर लो मैं लेट करता हूँ, आप बोलोगे सर जीरो से इसका बिहेवियर कैसा है, तो मैंने कहा कि जीरो पे चेक कर लो। अब जब इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू पे ये हमेशा फंक्शन देगा कैसे, इंटीजर देगा, तो मैंने कहा जीरो है इंटीजर तो क्या देगा ये, तो आपने ध्यान देना जब भी इंटीजर होगा तो इंटीजर पे हमेशा वही वैल्यू देगा, मतलब जीरो पे क्या देगा, जीरो, वन पे वन, ठीक है। तो मैंने कहा 0.1 पे क्या देगा, आपने कहा 0.1 पे, तो मैंने कहा फिर डेफिनेशन देखो, मिलेगा इंटीजर लेकिन छोटा इंटीजर मिलेगा किससे, 0.1 से, जो इसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है उससे छोटा इंटीजर। तो आप बोलोगे 0.1 से छोटा इंटीजर क्या होता है, जीरो, जीरो एक इंटीजर वैल्यू है, तो 0.1 से छोटा इंटीजर जीरो। 0.2 चेक करो, इसका भी जीरो मिलेगा। ऐसे चलते 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 आप बोलोगे सर 0.9 तक मैं चलता हूँ, 0.9 पे भी क्या मिलेगा आपको, 0.9 से छोटा इंटीजर, बड़ा नहीं ढूंढना अपने को, छोटा इंटीजर ढूंढना है, 1, 0 मिल जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर 1, देखो 1 पे ध्यान से देखो, 1 पे फिर इंटीजर वैल्यू मिल गई, इंटीजर पे वही नंबर देता है, इंटीजर पे वही नंबर मिल जाएगा, तब आपको 1 मिल जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है अगर डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा तो हमें छोटा इंटीजर की तरफ भागना है, अगर इंटीजर वैल्यू आएगी तो इंटीजर का ही हो जाएगा, जैसे ग्रेट इंटीजर 0 आ गया तो 0 मिलेगा, 1 आ गया तो 1 भी इंटीजर है तो 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से एक प्रॉपर्टी तो मुझे क्लियर होगी, अगर मैं ध्यान रखूँ एक प्रॉपर्टी तो मुझे क्लियर होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, सिंपली मैं ब्रैकेट को हटा सकता हूँ, कब, इफ एक्स इज एन इंटीजर, अगर एक्स इंटीजर वैल्यू है तो मैं सिंपली ब्रैकेट को हटा सकता हूँ, एक तो प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आ गई, अगर एक्स इंटीजर वैल्यू है तो मैं इसको सिंपली हटा सकता हूँ। बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर एक्स इंटीजर वैल्यू होगी तो मैं सिंपली इसको हटा सकता हूँ, आप लोग इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं जब डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, देख पा रहे हो आप, उससे एक कम मिल रहा है, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है उससे एक कम मिल रहा है, तो मैं यहाँ से ये भी लिखता ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस, हाँ ऐसे ही लिखते, ठीक है, या फिर आप ले सकते हो 0.1 है, 0.1 होगा तो अपना को, छोड़ो, यहाँ तो समझ में आ गया। अब इसको जो पॉइंट्स मिले इसको प्लॉट करते हैं, आपने कहा 0 पे 0 मिल रहा है, ठीक है सर 0 पे 0 मिल रहा है, 0.1 पे भी 0 मिल रहा है, ये लो सर 0.1 पे भी 0, 0.2 कब तक मिलता रहा, 0.9 तक, तो मैंने कहा एक लाइन आ गया ऐसे, 1 पे क्या मिल रहा है, 1 सर यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये अपना जब ओपन हो जाएगा तो मैं इसको गोला से डिनोट कर रहा हूँ, ये सर्कल, सर्कल का मतलब क्या है, 0 पे 1 नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप देख पा रहे हो 0 पे 0 मिल रहा है, 0.1 x, ए x की वैल्यू है, ये सारी अपनी x की वैल्यू है,
एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू। एक्स जब जीरो लिया तो वाई जीरो मिला, एक्स जब मैंने पॉइंट वन लिया तब भी वाई जीरो मिल रहा, देख पा रहे हो यहाँ पे जीरो मिल रहा है। एक्स जब मैंने पॉइंट टू लिया तब भी वाई जीरो मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने एक्स की वैल्यू वन ली तो मुझे वाई वन मिल गया, तो मुझे आगे चलना पड़ेगा। अब मैं देखना चाहता हूँ वन से टू के बीच में बिहेवियर, ठीक है। तो आपने कहा कि सर मैं 1.1 लेता हूँ, तो मैंने कहा 1.1 डेसिमल फॉर्म में है, इंटीजर नहीं, हमें चाहिए इंटीजर, तो 1.1 से छोटा इंटीजर क्या है जो उसके नियरेस्ट है, तो आपने कहा नियरेस्ट तो 1 है तो 1 आ गया। 1.2 के ये भी 1 आ गया, 1.3 पे सर 1.9 तक 1 ही मिलेगा, 1.9 तक आपको क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, ठीक है। सर 2 पे क्या मिलेगा, फिर मैंने एक प्रॉपर्टी ध्यान दिलाई थी कि अगर इंटीजर वैल्यू होगी तो सेम मिल जाएगा, प्रॉपर्टी हटा दो, वो ये अपना ग्राफ क्या कहते हैं ब्रैकेट रिमूव कर दो तो आपको 2 मिल जाए। तो यहाँ से भी बात समझ में आई कि सर 1 पे 1 मिल रहा था, 1.1 पे भी देखो वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट रह रही है, 1 के बाद वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट, वाई चेंज नहीं हो रहा, एक्स बढ़ता ही जा रहा है, तो मैं एक्स बढ़ता जाएगा और वाई चेंज नहीं होगा, एक्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता 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 कब तक सर 2 तक। 2 पे क्या मिल रहा है, 2 पे 2 मिल रहा है, फिर जंप कर जाएगा कि 2 पे वाई चेंज हो गया, ये रहा 2 पे वाई। सिमिलरली आप चेक कर लो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से एक पैटर्न तो समझ में आ रहा होगा, सर हाँ 0 से 1 चल रहे हो तो आपको ऐसा मिल रहा है, 1 पे इंटीजर पे ग्राफ शिफ्ट हो जा रहा है, फिर इंटीजर मिला फिर ग्राफ शिफ्ट हो गया, इट मीन्स 2 से 3 के बीच में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, 2 से 3 चलता है, चलते 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 जैसे ही 3 मिलेगा वैसे ग्राफ जंप कर जाएगा 3 पे, 3 से 4 पे भी ऐसा होता होगा, जैसे ही 4 मिलेगा ग्राफ जंप कर जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये तो अपना टेक्निक है, लेकिन सर मुझे बताओ नेगेटिव में कैसा होगा, क्या नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा? बिल्कुल सर ऐसे ही होगा, देखते हैं डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा, मैं पॉइंट्स निकालने के लिए इसको रेज कर रहा हूँ ताकि हम नेगेटिव में भी सोच पाएं। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो डेफिनेशन बता रखी है अपने पॉइंट्स लेते जाने हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ 0 से माइनस 1 के बीच में क्या होगा, माइनस 1 से 0 के बीच में चेक करूँ, तो मैंने कहा कि माइनस का 0.8 ले लेता हूँ, ये मुझे बताओ माइनस का 0.8 पे क्या मिलेगा। तो मैंने कहा कि नेगेटिव है, 0.8 पॉजिटिव होता तो 0 मिलता, लेकिन ये नेगेटिव में है तो इसके नियरेस्ट इंटीजर क्या है, चेक करते हैं। ये अपनी नंबर लाइन है, ये अपना 0 है और ये अपना माइनस 1 है, पॉइंट यहाँ कहीं है, 0 और माइनस 1 में से छोटा क्या है, आप बोलोगे सर माइनस 1, तो इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, माइनस 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। मैं सर माइनस का 0.1 लूँ तो आप बोलोगे सर नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, माइनस 1। नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट और स्मॉलर, ध्यान रखना दो वर्ड, नियरेस्ट एंड स्मॉलर, नियरेस्ट एंड स्मॉलर, नियरेस्ट भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए, नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर, ये वर्ड ध्यान रखो, नियरेस्ट और स्मॉलर इंटीजर, ये वर्ड ध्यान रख लोगे अपना काम रहेगा, छोटा होना चाहिए और नियरेस्ट होना चाहिए। तो मैंने कहा कि छोटा माइनस 1 है, ठीक है, और इस माइनस 1 इसके नज़दीक है। मैंने कहा और चेक करते हैं सर माइनस 0.9 पे चेक करते हैं, माइनस 0.9 पे भी आपको माइनस 1 मिलेगा। सर माइनस 1 पे क्या मिलेगा, माइनस 1 पे भी माइनस 1 मिलेगा। क्या 0 पे 0 देगा, ये 0 पे तो 0 ही देगा, क्या 0 पे माइनस 1 देगा, नहीं 0 पे माइनस 1 नहीं देगा, इट मीन्स 0 पे क्या है अपना ओपन है, यहाँ पे क्लोज हो गया, 0 पे यहाँ पे ओपन हो गया, और बाकी हर एक वैल्यू के लिए आपको माइनस 1 मिलेगा, हर एक वैल्यू के लिए जैसे ही माइनस 1 पे क्लोज होगा, ठीक है। अब माइनस 1.1 पुट करोगे, माइनस 1.1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 2 मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा माइनस 1.1, तो यहाँ से माइनस 1 पे ये तो ओपन हो गया और फिर ऐसे नेगेटिव चलता रहेगा, फिर आगे इंटीजर वैल्यू पे फिर ओपन हो जाएगा और फिर ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, फिर आगे इंटीजर वैल्यू फिर ओपन हो जाएगा और फिर ऐसे चलता रहेगा। तो इस टाइप से हम ग्राफ बना सकते हैं, हर एक इंटीजर वैल्यू पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, हर एक इंटीजर वैल्यू पे, समझ पा रहे हो, हर एक इंटीजर वैल्यू पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। कुछ नहीं करना आपको, सभी के लिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, माइनस 1 से 0, 0, 0 से माइनस 2, या फिर इन सभी के लिए आपने पॉइंट्स निकालने हैं, आपने हिंट लेते रहना है। तो मैंने कहा सारे हिंट ली और मैंने ग्राफ लोड कर दिया, ठीक है। डेफिनेशन, अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाले, हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो होते हैं अगर कोई वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट हो तो नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, जो भी वैल्यूज इसके अंदर प्रेजेंट हैं उससे नज़दीक और छोटा इंटीजर क्या है,
वो ढूंढना। अगर इंटीजर होगा तो सिंपली हम उसकी ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, वो इंटीजर मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई, ग्राफ देख लो एक बार। कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पिन करो, मैं इस डाउट को लेकर आऊँगा आपके साथ, ठीक है। लेकिन आप करना स्टार्ट करो, बहुत ही सिंपल ग्राफ है, बहुत ईजी टेक्निक हम सीख भी पाएंगे, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ बोले तो अब सर कुछ ऐसे टेक्निक होती है ना कि जो हमेशा वैलिड होती है। जैसे मैंने कहा कि इंटीजर वैल्यू है तो डायरेक्ट ब्रैकेट खोल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी है, मैं इधर ही लिख रहा हूँ सारी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और चेक भी करते हैं, वेरीफाई भी करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी मैंने वेरीफाई करा थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, x इफ कंडीशन है ना, इफ x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग, I डोनॉट कर रहा है इंटीजर को, अगर x इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड देखते हैं, कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस कोई इंटीजर वैल्यू ऐड कर दो, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर। सर आप बोलोगे आप तो लिख दे रहे हो, कैसे प्रूव करो, देखो देखो प्रूव करते हैं। मान लेते हैं x अपना 2.5 होता, x की वैल्यू अपनी 2.5 है और कोई ये इंटीजर वैल्यू है, आई फॉर आई डो नॉट फॉर इंटीजर, ठीक है। मैंने कहा ये इंटीजर वैल्यू कुछ भी मान लो 3 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, इसको सॉल्व करो तो 5.5 मिलेगा और मुझे पता है इसके नियरेस्ट इंटीजर कौन सा है, 5, इसको सॉल्व करने के बाद 5 मिलेगा। यहाँ पे चेक करते सेम, अगर इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो x की वैल्यू 2.5 होगी और ये इंटीजर हमने क्या लिया था 3, 2.5 का नियरेस्ट इंटीजर 2 और 3, तो देख पा रहे हो 5 और 5 दोनों इक्वल हो गए, इट मींस ये प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। आप नेगेटिव में पुट करके देख लो, हर एक स्टेप देख लो, ये प्रॉपर्टी ऑलवेज वैलिड होगी। तो हमें पता है अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई एक्स की वैल्यू है डेसिमल फॉर्म में है, अगर उसमें कोई इंटीजर वैल्यू ऐड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ डेसिमल का ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करना, इंटीजर को एज इट इज रख देना, ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ सेकंड प्रॉपर्टी हमें ध्यान आ गई, तो वेरीफाई भी करा दी मैंने आपको। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड बोलता है, अगर मान लो यहाँ पे लिखना आई इज एन इंटीजर, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या बोलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई। एक्स और वाई कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं एक्स को मैंने लेट कर लिया 1.2 और वाई को लेट कर लिया मैंने 2.5। वैल्यू पुट करते हैं पहले इसमें, 1.2 प्लस 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया 2, 3.7, ये 3.7 हो गया। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा आपको, नियरेस्ट, ठीक है 3 मिलेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड नियरेस्ट कौन सा अपना, हाँ 3, लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं यहाँ पर, ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 था, ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 था। 1.2 का नियरेस्ट, आप बोलोगे सर 1 और 2 के बीच में नियरेस्ट कौन सा है, 1 है, ठीक है, मतलब स्मॉलर भी लेना है। 2.5 का नियरेस्ट और स्मॉलर, तो आप बोलोगे सर 2 है, देख लो 2 + 1 = 3, ये भी 3, ये भी 3, तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, इट मीन्स ये प्रॉपर्टी भी वैलिड है। तो आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं, ठीक है। तो वेरीफिकेशन भी होगी और हमने प्रॉपर्टी भी ध्यान रख ली। ठीक है, अगर इंटीजर आएगा तो ये से साइन लगा देना, ग्रेट इक्वलिटी भी हो रही है और ग्रेटर देन भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बड़ा भी होगा और इक्वलिटी भी होल्ड कर रही है। तो इस तरीके से हमने सारे ग्राफ सीख लिए, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ सीख लिए और उसे कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने माइंड में रख लिया, ठीक है। कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, हम उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी में एक पार्ट और डिस्कस करते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में, ठीक है, सिग्नम फंक्शन के बारे में इसी पार्ट में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो उसको देख लो एक बार, जो नोट करना नोट कर लो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिग्नम फंक्शन के बारे में, सिग्नम फंक्शन को समझेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्या बोलना चाह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं सारे। सिग्नम फंक्शन,
सिग्नल फंक्शन बोलता है इफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर x जीरो नहीं है तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलता है, फंक्शन जो ऑफ x जो है मोड ऑफ x अपॉन x या फिर और x अपॉन मोड ऑफ x होता है। मोड मैंने बता दिया, मोडलेस फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर x जीरो है, इफ x इक्वल टू जीरो, देन इसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही मिलेगी। ये सिग्नल फंक्शन की डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है जो फंक्शन के बारे में बता रखा, फंक्शन होते क्या हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बाय डेफिनेशन सिग्नल फंक्शन ने ये कहा कि अगर x की वैल्यू जीरो नहीं है तो मोड ऑफ x अपॉन x है, अगर x की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो ही मिलेगी। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ भी आसानी से प्लॉट कर सकते हैं कि सर अब देखो मॉडुलस ऑफ x अपॉन x है, यही देखना है। अब इसमें मेरे को दो कंडीशन दिमाग में आती है, सर अगर पॉजिटिव हो तो क्या होगा, नेगेटिव हो तो क्या होगा। तो मैं पहला केस लेके चलता हूँ, केस वन चेक करते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो के लिए है, पॉजिटिव होगा तो क्या मिलेगा आपको, मोड ऑफ x अपॉन x। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होती तो मोड कैसा खुलता है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, नहीं पता जाके देख लो, ठीक है। मोड ऑफ x कैसे खुलता है, पॉजिटिव ऑफ x से खुलता है अपॉन x। तो आप देख पा रहे हो अगर पॉजिटिव है तो x से x कैंसिल और हमेशा वन मिलेगा, ऑलवेज वन मिलेगा, क्योंकि x कुछ भी पुट कर लो या ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा और वन मिलेगा। अगर सर आपने कहा सर ये दोनों के लिए सेम है, चेक करते हैं, एक्स अगर लेस देन जीरो हो तो केस टू ले लेते हैं, चेक करते हैं इसी में, इफ एक्स लेस देन जीरो हो तो क्या वन आ रहा है, चेक करते हैं। मैंने कहा मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स डेफिनेशन आपने बोला, जब एक्स लेस देन जीरो होगा तो मोड कैसे खुलेगा, सर नेगेटिव में खुलेगा। मोड कैसा होगा, नेगेटिव में खुलेगा। सर ये पॉजिटिव होगा क्या, मैंने क्या कहा आपको, ध्यान सुनना, अच्छा डेफिनेशन में, हाँ ठीक है। तो यहाँ से समझ में, x लेस देन जीरो होगा तो मैंने कहा x से x कैंसिल होगा तो अपने क्या मिलेगा, माइनस वन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो केसेस निकल के और आए, हमने कहा अगर पॉजिटिव होगा तो हमेशा वन मिलेगा और नेगेटिव होगा तो हमेशा ऑलवेज माइनस वन मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ बनाने की शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा मैंने कैसे वन लेकर आया और कैसे माइनस वन लाया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आप इसको भी लेके चलोगे सेम ही आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया, इसको भी नोट कर लिया, टाइम नहीं है तो पोस्ट करके नोट कर लो, मैं आगे चलता हूँ। तो यहाँ से मैं जो की पॉइंट्स निकाला हूँ अब उसको लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या की पॉइंट्स इसके, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन अब मैं लिख सकता हूँ, बाय डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स If x is greater than 0, then its value is 1. If x is less than 0, then its value is minus 1. And if it is equal to 0, then it is 0. तो मेरे पास तीन पॉइंट्स मिल गए। और इसके अलावा कोई पॉइंट्स मिले क्या, नहीं। आप बोल भी सकते हो डोमेन क्या है इसका, सर डोमेन मतलब x की वैल्यू, और x की वैल्यू कैसी है, रियल नंबर है, कुछ भी ले लो। लेकिन रेंज, रेंज में आपको डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्या क्या, जब भी मुझे पॉइंट्स एक एक पॉइंट दिखाना हो तो मैं इस ब्रैकेट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो माइनस वन मिल रहा है, सर जीरो मिल रहा है और वन मिल रहा है। इसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या, सर इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफ के लिए अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना नेगेटिव का एक्स, ये अपना नेगेटिव का वाई, यहाँ तक समझ। मैंने कहा सर जीरो, ये रहा सर वन, ये रहा सर वन, ये रहा सर वन और ये रहा वन। तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, 0.1 हो, 0.2 हो, 1 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो एक्स की वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमेशा क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है। तो मैंने कहा सर ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, जीरो पे मिल क्या रहा है, जीरो, जीरो पे मैंने जीरो नाम दे दिया, से सर्कल लगा दिया। लेकिन जीरो से जैसे पॉजिटिव आएगा हमेशा वन मिलेगा, जीरो से जैसे ही पॉजिटिव आएगा हमेशा वन ही रहा सर। इसको ओपन कर दिया मैंने, ऐसे हमेशा वन मिल रहा है। ओपन का मतलब वहाँ पे नहीं है सर, लेस देन जीरो पे, सर जीरो पे तो जीरो मिल रहा है, लेस देन जीरो पे ऐसे मिल रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ क्यों देख पा रहे हो ना, वन पे टू पे लो, टू पे भी वन मिल रहा है, एक्स की वैल्यू वन पे भी वन मिल रहा है, एक्स की वैल्यू टू पे भी वन मिल रहा है। तो हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, 2.1 पे भी वन मिल रहा है, तो हर एक पॉइंट पे वन मिल रहा है। तो इस सिग्नल फंक्शन का छोटा सा और सिंपल सा ग्राफ,
ठीक है, कई बार क्वेश्चंस इससे भी आ जाते हैं, लेकिन हमें जब जानकारी नहीं होगी सिग्नल फंक्शन होते क्या, तो हम कर पाएंगे क्या? नहीं। तो इस वीडियो में मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नल फंक्शन को कैसे हैंडल करना, कैसे उनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया और कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस की, ठीक है। इसी के बेसिस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे मान लो टैन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, टैन ऑफ एक्स तो आपको लिखने आता है, लेकिन मैं बोलूँ टैन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अब यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को खिलाया, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने सीखा भी होगा, और अगर आप अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से शेयर भी करो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। अगर आपको कैसा भी कोर्स लेना है, हमारा कोर्स जैसे कोविड सिचुएशन चल रही है थोड़े दिनों के लिए बंद हो गया है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी मिल सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप पिन कर सकते हो, नंबर मैसेज कर सकते हो, और किसी तरह के क्यूरी हो, ठीक है। थैंक यू।